हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी हो रहा है सुबह के 10:21। चलिए सीधी बात, नो बकवास, अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। गाइस, आज मैं डैडी का दुकान नहीं गया क्योंकि आज ओला इलेक्ट्रिक बुक करना है ना, फाइनली ओला S1 प्रो। चलिए गाइस, फिलहाल 10:30 खुलता है शोरूम, इधर ही छः शोरूम, 5-6 मिनट का रास्ता है। फिलहाल गाइस, अभी मैं नहाकर आ गया हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैंने कुछ भी नहीं खाया है, ब्रेकफास्ट में पनीर के परांठे है गाइस। चलिए खा लेते हैं, जब तक मैं फ़ोन को भी चार्ज कर लूँगा। 10:30 खुल जाएगा, देखें कस्टमर केयर में कॉल कर लूँगा मैं, अगर वो लोग उठाते तो ठीक, वरना चले जाएंगे डायरेक्ट। उधर जाके मैं पहुँचूँगा और फिर पूछूँगा क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इधर से मम्मी और भैया निकलेंगे घर से, डॉक्यूमेंट्स लेते हुए आएंगे। ओके, फाइनली आज हमारी ओला S1 प्रो बुक हो जाएगी, मैट ब्लैक या जेट ब्लैक, दोनों में से एक कलर सेलेक्ट करना है। ओके, चलिए फिलहाल फ़ोन को चार्जिंग लगा देता और खाना खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। चलिए, तो गाइस फिलहाल खाना खा लिया है, 10:45 हो रहा है। चलिए जा रहा हूँ मैं ओला इलेक्ट्रिक, जाएंगे उधर देखेंगे और डिटेल्स वगैरह क्या है सब कुछ देख लूँगा मैं। फ़ोन कर दूँगा भैया को, मम्मी को, भैया मम्मी आ जाएंगे और फिर हम लोग बुक कर देंगे द न्यू ओला S1 प्रो। चलिए, मम्मी के नाम पे लेना है, मम्मी का आधार कार्ड, पैन कार्ड। सो गाइस, पोपट करा लिया है, घर वापस जा रहे हैं। शाम को बुक होगी या फिर कल सुबह बुक होगी गाइस। मम्मी के नाम पे लेना है ना, तो मम्मी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और भैया को मैंने कॉल करके जब बोला तो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स दुकान पर है, दुकान जाना पड़ेगा लेने के लिए वापस, इसलिए शाम को बुक होगी या फिर कल सुबह बुक होगी गाइस। पता नहीं गाइस अब कब बुक होगी बाइक, मतलब ओला। दिमाग ख़राब हो गया है मेरा तो सच्ची में। बुक करेंगे बोल के इतने दिन हो गए, 25 डेज का वेटिंग, कब आएगी, कब बुक करेंगे, दिमाग खराब। जब करना है करो यार, अब मेरे को नहीं मालूम कुछ भी। टू व्हीलर है ना गाइस, दो घर पे बस है, इलेक्ट्रिक लेना है बोल रहे थे, अब जब बुक करना है करो, मुझे नहीं पता। फिलहाल अभी भैया नहाने गए हैं, नहाकर आकर दुकान जाएंगे। मेरा मन तो नहीं है जाने का, पर जाना पड़ेगा। कल नहीं जाएंगे गाइस, कल स्कूल भी जाना है ना। TC का फॉर्म जब दिया था, कल लाना है जाकर TC का फॉर्म। ओके, चलिए थोड़ी देर में जाएंगे दुकान। Later that same evening. So guys, फिलहाल अब टाइम हो रहा है शाम के। अरे इसको क्या हुआ? 6:13 आ गया हूँ मैं घर पर। मतलब भाई सुबह तो बुक नहीं हुई थी बाइक, मतलब ओला, जैसे कि मैंने आपको बोला था कल पक्का बुक कर देंगे, फाइनल 100% श्योर, 1,200%, लाख, मिलियन परसेंट श्योर बुक कर देंगे कल सुबह। ओके, फिलहाल गाइस सुबह घर आने के बाद मैं दुकान चले गया था, अभी जस्ट आया हूँ घर पर। दुकान से जो भी डॉक्यूमेंट्स थे मम्मी के ले लिए हैं, ला लिया है घर पर। अब कल सुबह फाइनली जाएंगे और बुक करेंगे अपनी ओला S1 प्रो। अब गाइस बस ये डिसाइड करना है कल जाकर शोरूम में, जेट ब्लैक की मैट ब्लैक। फिलहाल गाइस जेट ब्लैक मतलब जो हमारी कार है ना वैसी से जेट ब्लैक। बस गाइस जेट ब्लैक ले लिया तो एक प्रॉब्लम है कि धूल जल्दी बैठती है, मतलब धूल बैठ जाती है, अगर हम अब भी साफ़ करेंगे 5 या 10 सेकंड में धूल बैठ जाएगी, और मैट ब्लैक में धूल नहीं बैठेगी और दिखेगी नहीं, दिखेंगी धूल, ये है मैट ब्लैक में। पर गाइस जेट ब्लैक अच्छा शाइनी कलर है, बस एक ही मेन प्रॉब्लम है कि धूल बढ़ जाएगी उस पर। अब देखना है क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैट ब्लैक भी लेना है या जेट ब्लैक लेना है, वो तो शोरूम में जाकर ही देखेंगे। फिलहाल ड्राइवर आज भी अगर नहीं आया तो मैं तो गाइस सच्ची में कल से आऊँगा ही नहीं घर वापस, रात में डैडी के साथ ही जाऊँगा।
क्योंकि रोज़ रोज़ रैपिडो के पैसे लग जा रहे, ड्राइवर आ रहा नहीं है, दिमाग ख़राब हो रहा है बस, रैपिडो होती नहीं है, अगर हो गई तो भी कैंसिल करते हैं वो लोग, इतना दिमाग ख़राब होता है सच्ची में। अभी फ़िलहाल तो 6:15 हो रहा है, अभी तक नहीं आया, ड्राइवर आता ही होगा। मैंने दुकान पर काम करते वक्त दो गेमिंग वीडियो एडिट करके शेड्यूल भी कर दी थी, एक कल आ जाएगी और एक परसों आ जाएगी गाइस। ओके, मैं रोज़ रोज़ ड्रैगन सिटी खेल रहा हूँ, दूसरा गेम भी खेलना पड़ेगा क्योंकि रोज़ रोज़ ड्रैगन सिटी तो नहीं चलेगा ना, इसीलिए चलिए देखते हैं क्या सीन रहता है। Day 2. So hey guys, good morning, this is the next day. तो भाई दो तीन दिन से क्या हो गया पता नहीं, खाना खाने के बाद ही इंस्टेंट नींद आ जा रही है गाइस। दुकान पे भी मैं नोटिस कर रहा हूँ ना, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट करके जाता हूँ और दोपहर में जब लंच करता हूँ फिर नींद आती है दुकान पे, सोता नहीं हूँ दुकान पे, सो ही नहीं सकते। अगर दुकान पे नींद आती है तो मैं उठ के फिर लेता हूँ या फिर मुँह धो लेता हूँ। ये लैपटॉप में से कंप्यूटर में से आवाज़ क्यों आ रही है पता नहीं, आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना कुछ, ये देखिए सुनिए, ये आवाज़ क्यों आ रही है पता नहीं, किसकी किस चीज़ की आवाज़ है समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, और लैपटॉप दुकान में खाना खाते के इस नींद आ जा रही है, अब घर पे भी कल मतलब खाना खाते के नींद आ गई गाइस। मैं उन 7 बजे सोने चले गया था और अभी और सुबह के 4:38 उठ गया हूँ मैं। चलिए बस फिलहाल तो मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, पता नहीं क्या है ये मेरे रूटीन में क्या हो गया है मुझे, खाना खाते के नींद आ जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आता है तो लाइक करना, एंड चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।